रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स और जीएसटी के सॉफ्टवेयर के द्वारा टैक्स कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें ईमेल कर दीजिए taxhill@gmail.com पर। हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी टैक्स पेयर की जीएसटी से पहले की डिमांड है, यानी कि एक्साइज, सर्विस टैक्स या वैट की, तो किस प्रकार रिकवर की जाएगी जीएसटी पोर्टल पर, इसके लिए नए प्रोसीजर को नोटिफाई किया गया है। फ्रेंड, अब जीएसटी ऑफिसर प्री जीएसटी लॉ के अंतर्गत के एरियर को रिकवर कर सकता है, यानी कि स्टेट वैट, सीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स के अंतर्गत यदि कोई टैक्स पेयर रजिस्टर्ड था और उससे एरियर रिकवर करने हैं तो ये अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर DRC 07A के अंतर्गत डिमांड अपलोड की जाएगी रिकवरी ऑफिसर के द्वारा जीएसटी पोर्टल पर, और यह डिमांड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के पार्ट टू में पोस्ट कर दी जाएगी। यदि किसी प्रोसीडिंग के दौरान DRC 07A को रेक्टिफाई किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है या फिर क्वेश्चन किया जाता है किसी अपील, रिव्यू, रिवीजन में, तो उसके लिए अमेंडमेंट DRC 08A के जरिए अपलोड की जाएगी जीएसटी पोर्टल पर, जिसे के इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के पार्ट टू में अपडेट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि जीएसटी से पहले की डिमांड अपलोड की गई है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, आप उसे जीएसटी पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विस टैब में जाना है, यूजर सर्विस में जाना है, व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ नोटिस प्री जीएसटी रिकवरी लिखा गया है और इंटीमेशन अपॉन इश्यूएंस ऑफ DRC 07A डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप ये व्यू करेंगे तो यहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑर्डर की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, और फ्रेंड्स इसे आप PDF फॉर्मेट में देख सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अमाउंट आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के पार्ट टू में आ जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई मॉडिफिकेशन हुआ है इसमें तो DRC 08A की टैब पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहां से ऑर्डर की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अमाउंट भी आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में अपडेट कर दिया जाएगा जीएसटी पोर्टल पर पार्ट टू में। फ्रेंड्स, ये जो प्री जीएसटी की डिमांड आपकी क्रिएट की गई है, इसे आपको कैसे पे करना है, इसके लिए आपको सर्विस टैब में जाना है, लेजर में जाना है। यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, आपको इसे क्लिक करना है, जिसके बाद कि आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड देख सकते हैं। आप यहाँ पे पर्टिकुलर डिमांड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसे पे कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इस डिमांड को पे कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, यदि आप ये पेमेंट करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे सेटअप का बटन दिया गया है, तो आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड सेलेक्ट करके उसे पे करेंगे कि आप कैसे पे कर रहे हैं, और जैसे ही अमाउंट पे हो जाएगा तो उसके बाद आपको मैसेज दिखाई देगा अपनी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट का मैसेज आ गया है, और उसके बाद जब आप अपना इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेजर यूज फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटी, ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और ये मैसेज आ जाएगा कि आपने अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड को कैसे पे किया है। फ्रेंड्स, यदि DRC 07A या DRC 08A जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाता है प्री जीएसटी की रिकवरी करने के लिए, तो उस केस में आपको SMS और ईमेल के द्वारा भी इंटीमेशन भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे CBIC के द्वारा कहा गया है कि जो डिजिटल सिग्नेचर को साइन करने की फैसिलिटी है वो अभी उपलब्ध नहीं है इस फंक्शनलिटी के लिए, इसलिए यदि कोई नोटिस या फिर ऑर्डर या कोई और डॉक्यूमेंट जो कि लीगली साइन किया जाना चाहिए रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के द्वारा, वो साइन करने के बाद इशू किया जाएगा और इसके साथ साथ ऑनलाइन भी इशू किया जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाए। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत RCM की क्या प्रोविज़न है, इस पर मेरे द्वारा लिखी गई नई बुक मार्केट में लॉन्च हो गई है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर GST 2021 एडिशन बाय भारत पब्लिकेशन। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।